गर्मियों का सीजन शुरू होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संकट मंडराने लगा है। पानी ना आने की वजह से ग्रामीणों को अपनी पानी की लाइन खुदवानी पड़ रही है। इसकी वजह दो विभागों की लापरवाही है, जिसमें जनता पिस रही है। आपको बता दें, भोगपुर बड़कोट मार्ग का निर्माण चंद महीनों पहले ही हुआ था, लेकिन इस निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग ने पानी की लाइन को ही दबा दिया, जिस कारण से अब इसे फिर से खोलने के लिए हो रही खुदाई से सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि लीकेज की वजह से पानी सड़कों पर फैल रहा है, लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। लोगों के यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अगर पहले लाइन भेज जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। लाइन शिफ्ट होनी चाहिए थी ना पहले। इन्होंने हमने बोला कि भाई पानी कैसे आएगा, तो इन्होंने बोला कि लाइन बिछ रही है। कुछ दिन भाई नई लाइन बिछनी है यहाँ पे, तो वो तो बिछी नहीं है। और लोगों के यहाँ पानी नहीं आ रहा है, वैसे गर्मी का मौसम है तो कैसे हो रहा है। पानी नहीं है बिल्कुल, तोड़ेंगे और क्या करेंगे। पानी तो चाहिए ना पहले। इस बारे में तो मैं यही कहूँगा ना कि पहले जो सड़क बनी बड़ी मुश्किल से तो बनी है, और टूट पहले गई, वो टूटी इसलिए लोगों को पानी नहीं मिल रहा। अब जिसके यहाँ पानी नहीं आएगा तो अब ये पानी वाले से बोले बोले यहाँ खोद दो, तो खोदेगा आदमी, अभी तक तो आए नहीं आ रहा। तो लाइन चौक हो रही तो उसका जो ठीक करवा रहे। अब जल निगम की होगी लापरवाही, तो जल निगम की है। पहले जो हो वो कर देना चाहिए था पहले। अब नहीं लगे तो हमारे पास पानी नहीं आ रहा, जो तो हम तो ठीक करवाऊंगा इससे। नहीं लापरवाही तो जो है ड्यूटी तो जो अभी फ़ोन किया हमने तो उनके लिए, तो जो वो कह रहे हैं कि हम आकर देखेंगे, और हमने तो फ़ोन करके वो कह रहे मैं आ रहा हूँ क्योंकि दूसरी जगह काम कर रहे हो।